यहाँ से हमारे पूरे गांव का सुंदर दृश्य। ये चाचा ना सुधरती दगड़ियों, देखो गांव में कोई फर्क नहीं पड़ता हम कैसे चल रहे हैं कैसे जा रहे हैं। चाचा अपनी चप्पल भूल गए हैं पर कोई सुधबुद नहीं है चाचा को कि चप्पल पहननी नहीं पहननी। अब चाची आके पहनाएगी ना चप्पल। हाँ ये चाचा का पेड़ है इसमें से हम आम तोड़ सकते हैं। कभी भी हम तोड़ते नहीं थे अभी तक। वैसे तो अभी भी कहाँ ही तोड़ेंगे, आम तोड़ने के टाइम पे हम होने चाहिए। आ गए हमारे चाचा जी जो हमसे पहले पहुंच गए हैं। हम इनसे पहले निकले थे घर से तो पता नहीं कहाँ से शॉर्टकट मार के आए हैं चाचा जी। और यहाँ बूबू जी नमस्कार। बूबू जी यहाँ नहर की सफाई कर रहे हैं। दस में लगा इधर आ गए हैं बूबू जी। बूबू नमस्कार। बारिश के बाद का व्यू कुछ ऐसा है हमारे गांव का नजारा। ये सुंदर ये हमारी गाड़ी। अपने पापा से देखो चाचा कैसे डर रहे हैं। ये चाचा के पापा जी हैं और उनको परेशान कर रहे हैं चाचा जी। चाचा जी हाँ बूबू जी आगे डंडा लेके चाचा जी लेके जाएंगे ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर अभी तो फिर हाथ में कैलेंडर बांटे जा रहे हैं। कैलेंडर थोड़ा सा खोल के रखा था इससे पूरा चीला भर गया। और यहाँ सारा चल रहा है ना। ओ भाई भयंकर। अब तो सारा क्लीन करना पड़ेगा। सारा गाड़ी में चीला घुस गया। यहाँ पर चल रहा था काम, गेहूं मारने का काम चल रहा था। उससे थोड़ी थोड़ी गाड़ी खोल के गया था। शीशे शीशे तो सारी गंदी हो गई गाड़ी। खेतों के लिए लोग आने लग गए। लखड़ा की बुआरी ये है लखड़िया की बुआरी। इन सौर सासु के नीचो चैना बुआरी बुआरी। राति में काटे में क्यों था टैक्सी ड्राइवर। इनका नाम है कैलाशा। चौथी पे छतरा सुने चौथी पिछोतर की भाई वाला। इसका नाम है कैलासा। ये रहता है हाट कोधार का। ग्राम निवासी है हाट कोधार का। ही समय में चखोटिया पहुंच जाएगा। जब तक गाड़ी दिल्ली गनाई आती है तब तक बंदा घर छोड़ देता है। अरे भाई पंडित जी आ गए। ये आ गए पंडित जी। पंडित जी आ गए। जो लकड़ी हमें पकड़ा रहे थे चाचा जी उन्होंने दीने दयाल दयाला। इसको कहेंगे
क्या हम बाता मन में ऐसी सोच हमारी, ये तो है भूमि देव के पुजारी, जय हो जय हो जय हो तुम्हारी। पंडित जी आ गए हैं ये लेके, ये लकड़ी पहले हमें पकड़ाई जा रही थी पर हम कैसे लेके आते मुझे समझ में नहीं आ रहा। पापा आ गए, चाचा आ रहे होंगे पीछे, अब बिना निकले तो ताऊ जी के साथ ही। पापा ना पीछे रह गए, कह रहे पहले ही आ गए थे पापा तो। आ गए थे वो? हाँ पापा, जब हमने आपको बताया था तभी आ गए थे, पर दिख नहीं रहे अब। पोस्ट ऑफिस जाना है कह रहे थे, पता नहीं उसके बाद होना ही। आ गए हैं सब लोग खेत से। नमस्कार नमस्कार। हाँ नमस्कार। इस टाइम हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, ये सब देखने को मिल रहा है। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस टाइम, गेहूं की कटाई करते हैं सब देखने को। नहीं तो हम इसके बाद आते हैं, जब कट जाते हैं उसके बाद आते हैं। बिन दिए होते तब आते हैं। हाँ बिन दे रखे होते हैं तब वो हो रहे होते हैं थोड़ा, तब आते हैं। पापा नहीं आए, चाचा जी ने परात सर पे रख ली है और इसमें है थोड़ा सा पूजा के लिए फ्रूट्स, और ये ताऊ जी पता नहीं क्या च्यवनप्राश का बला ढाबा च्यवनप्राश, अच्छा इसमें घी है। और ये हमारे चाचा जी ये फूल रख रखे हैं, गुड़ैल के फूल, और ये फ्रूट्स हैं, फल भी रखे हुए, और ये रखे तिमिल के पत्ते हैं ना चाचा जी। पापा नहीं आए, पापा आवाज तो दिया था, नहीं तो वो तो आपके वहीं आ गए थे ना। ये देखो चाचा, बैलेंस देखो चाचा का, क्या बात है, बिना बिना सर पे पकड़े, बिना पकड़े चाचा ऐसे लेके जा रहे हैं सर पे रख के, मैं तो नहीं ले जा सकती ऐसे। ये आ रहे हैं हमारे चाचा जी बिना पकड़े परात लेके आ रहे हैं। इतने साल से गुजरात में आ रहे हैं, तो ये हमारे चाचा जी की दुकान है पूजा के लिए। अच्छा यहाँ, हाँ तभी आ गए थे उसी के लिए आए। अब हम आ गए धामदेव मंदिर पे, ये है हमारा सुंदर सा मंदिर धामदेवल मंदिर। तो सुंदर मंदिर बना दिया, सर्व मंगल मांगला है। थोड़ी सी बारिश रुकी और लोग खेतों में पहुंचने लग गए हैं, पर बारिश का मौसम पूरा बना हुआ है, कभी भी आ सकती है। जय हो भगवान। जय हो। ये है मंदिर और इसी के बगल में है जहाँ पर प्रसाद बन रहा है, ये है स्कूल और यहाँ बन रहा है प्रसाद, यहाँ बन रहा है हलवा। अच्छा बन भी गया, अच्छा ये किसी और का है, अच्छा अभी बनेगा अभी यहाँ वाला। पूजा भी आ गई है, हेलो, और नई दुल्हन भी आ गई है। हैं मंदिर आ गए, जय खुश रहो। सभी लोग मंदिर में आ रहे हैं, पापा भी आ गए हैं पीछे से। यहाँ पर पूजा होने लग गई है, पूजा की तैयारी, मंदिर में पूजा चल रही है और हम आ गए हैं पोस्ट ऑफिस के साइड में। अभी हम जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस, पापा का कुछ काम था तो ऊपर जाते हैं। यहाँ से देख थोड़ा पोस्ट ऑफिस में बैठ गए हैं पापा काम करवाने के लिए। अपना घी की खुशबू आने लग गई है, मतलब कि हलवा बन गया है,
तो चलते हैं हलवा खाने के लिए। पहले जो दिखाया था किसी और का था, अब जो बन रहा है। बूबू जी भी आ गए हैं यहाँ पर, पापा ने हलवा ले लिया है और यहाँ बन रहा है हलवा। अभी ये मिलेगा हमें भी प्रसाद, और यहाँ चाचा जी हलवा बना रहे हैं। अच्छा, ये पानी इसी के लिए गर्म होगा ना। यहाँ लाला और पापा हलवा खाने लगे, यहाँ बूबू जी हलवा खा रहे हैं। बूबू की फोटो तो भूल जा रही हो ना, आपकी पहले ले ली मैंने। चाचा जी यहाँ हलवा दे रहे हैं। मेरे को दे रहे हो? अच्छा, मुझे लगा बूबू जी को। अभी मैं जाऊंगी ना तब आएगा। ये हमारी चाची जी भी आ गई है। क्या ला रही चाची इसमें? चीला। अबे गाय भैंसों को खिलाओगे? क्यों? ये देखो चाची का बैलेंस बिना पकड़े ही इतना बड़ा थैला सर पे रखा हुआ है। प्रसाद बहुत ही टेस्टी हो रहा है, बहुत मजा आ गया। देखो भूमि देव की 1008 सात जोड़ों के साथ, सात जोड़े बैठे हैं, सात जोड़ों के साथ, नई दुल्हनिया नई दुल्हा। कोई वीडियो सोचो तेरे को ये बगैर हो, नई दुल्हनिया नई दुल्हा, साथ साथ संग सहेलियां रहती हैं, सास ससुर सब मना बोलते हैं। चाचा बोलते हैं ला यार बेटा अपना कैमरा ला जल्दी। तो फाइनली यहाँ चाचा आ गए हैं और यहाँ सात सहेलियां बैठी हैं, हलवा खाने के टाइम पे पहुंच गए हैं। किस 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 को आशीर्वाद दूं, उनको पहले ही ऑटोमेटिक आशीर्वाद मिलने हुए हैं। क्या बोल रहे हो? अपने को छोटा समझना बड़े बन की पहचान है। क्या बात, निकाले। ओ भाई सही बात। सा विद्या विमुक्ति, ये है स्कूल। भूमिया देव के पुजारी हैं। हाँ जी, बिना इनके भोग नहीं लगता है। गांव के सामाजिक आदमी हैं, समाज में रहना इनका एक दायित्व है। बिना इनके प्रसाद नहीं पलता, बिना इनके हलवा नहीं बनता, ठीक है? बहुत बढ़िया। इनका बनाया हुआ खाना, इनका बनाया हुआ प्रसाद, इनका बनाया हुआ टमाटर के टमाटर झो झो आदमी चकता रह जाता है, चकता रह जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से हो रही हैं। स्कूल के अंदर बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पे गीला सूखा कूड़े के लिए दो डस्टबिन लगा दिए गए हैं यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर भी ये गेट बना दिया, बहुत सुंदर लगता है गेट इससे बना है। और यहाँ प्लास्टिक की बॉटल सूखा कूड़ा प्लास्टिक संग्रहण केंद्र, तो यहाँ पर उसके लिए लगा दिया गया है हमारा सुंदर सा गेट, जिसके हाँ लिखा हुआ है ना यहाँ जय भूमिया बाबा परवेज चाचा जी, उन्होंने बनवाया ये भी है। अच्छा चाचा दो लोगों ने मिलकर बनवाई। बारिश हो गई है बहुत तेज, सभी लोग जा रहे हैं घर को, अब एकदम से बारिश हो गई सही में, उधर के तेज और ज्यादा हो। अब यहाँ ताऊ जी इनका प्रसाद बटेगा, पहले किसी और का था, शादी का प्रसाद था, अब ये गृह प्रवेश का। दोने, दोने प्रसाद की तैयारी हो गई है। यहाँ चाचा खाने लग गए हैं, मुझे लगा भी टाइम लगेगा आपको खाने में, आपने फटफट खा लिया आते ही। एक प्रसाद खाया था हमने पहले शादी वाला, जो उनका बटा था। अभी लाला ये भी प्रसाद खाने लगे हैं दोबारा दोबारा, मतलब एक पहले वाला था वो किसी की शादी थी, इनका प्रसाद था। और अभी ताऊ जी को, और बारिश बहुत तेज हो गई है, आवाज़ आ रही होगी बारिश की, खतरनाक हो गया। प्रसाद खा लिया है और पूजा हो गई है। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड। क्या होगा आज, हम घर पहुँचेंगे या नहीं, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, इतनी खतरनाक बारिश हो गई है। बारिश हो रही है तगड़ी, और कितने भारी भारी सिलेंडर उठा रहे हैं सारे लोग, कितने मेहनती होते हैं। औरतें तो छोड़ो, लड़के भी इतने मेहनती होते हैं, सर पे सिलेंडर उठा के ले आ रहे, इतना भारी सिलेंडर है, पता नहीं कैसे लेके जा रहे हैं, हमसे खाली नहीं। इसमें लाला और मेरी हालत भी ऐसी कुछ, हम बारिश से परेशान हैं, लोग सिलेंडर उठा के ले आ रहे हैं। हाँ, हम बारिश से ही परेशान हो गए।